children, today we will start chapter 5, which is safety first. In this chapter, we discuss about these topics: safety at home, safety at school, and safety on the road. So, what do you understand by safety? Safety means अपने आप को सेफ रखना. हम जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. यदि हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट इफ वी आर फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. तो वो सेफ्टी रूल्स क्या हैं? इफ वी आर एट होम तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा. यदि आप होम में हैं तो क्या होगा, यदि आप होम में हैं तो कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे. मीन्स डू नॉट रन इन द हाउस, आपको हाउस में रन नहीं करना चाहिए. डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट एडल्ट. कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स घर में नहीं होते हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो कई बार हेडेक हो जाता है, स्टोमक एक हो सकता है, तो आप खुद से मेडिसिन ना लें. हो सकता है वो एक्सपर्ट हो. तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. माना डोर कोई है आया है और आपको कोई बैल बजा रहा है, तो जब तक आप ये ना देख लें कि डोर पे कौन है, कोई बिना देखे आप डोर ओपन ना करें. तो इस तरह से आपको घर में रहते हुए भी कहीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है. इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं. कई बार क्या होता है कि यदि आप किचन में जाते हैं तो गैस ओपन हो जाती है या ओपन रह जाती है, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि गैस की स्मेल आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितने भी डोर्स है विंडोज है वो सारे ओपन कर देने हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को स्विच ऑफ कर देने हैं. उससे क्या होगा कि जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी. तो यदि आप घर में हैं तो घर में रहते हुए भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से कहीं होने वाले एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं. ओके, हमारा सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में किस तरह से आपको सेफ रखना है अपने आप को? कई बार क्या होता है, टीचर्स क्लास में नहीं रहते हैं तो बच्चे आपस में फाइट करने लग जाते हैं, बेंचेस के ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे को होश करने लग जाते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. कई बार मजाक में जो काम करते हैं तो हो सकता है वो चोट लग जाए आपको, और ये छोटी सी मजाक की आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए. तो इस तरह से आपको छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जिनका आपको स्कूल में भी ध्यान रखना जरूरी है. नाउ सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड. यदि प्लेग्राउंड में जाते हैं तो हमेशा क्यों में जाएं? प्लेग्राउंड में हमेशा ग्रुप के साथ रहें, एक दूसरे से फाइट ना करें, रब गेम्स ना खेलें. रब गेम्स मीन्स शार्प ऑब्जेक्ट यूज ना करें, हो सकता है उससे आपको चोट लग सकती है. स्विम पर चढ़ें तो आप एक दूसरे को पुश ना करें, हमेशा एक दूसरे का हेल्प करें, हमेशा एक दूसरे को ध्यान रखें. इस तरह से कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी ऑन द रोड. अब जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलते समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रोड पर हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. यदि माना कहीं फुटपाथ नहीं है तो आप रोड के राइट साइड में चल सकते हैं, और हमेशा रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें. ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. अब ट्रैफिक लाइट्स में जैसा कि आप देखते हैं रेड लाइट है, तो रेड लाइट क्या कहती है, स्टॉप. जैसे ही रेड लाइट आती है तो वहाँ पे सब स्टॉप हो जाते हैं. येलो लाइट क्या कहती है, वेट, कि हमें थोड़ा सा रोककर वेट करना चाहिए. एंड ग्रीन लाइट, जैसे ग्रीन लाइट आती है तो सब चल देते हैं, मीन्स गो. तो इस तरीके से हमें जो ट्रैफिक लाइट रूल्स को फॉलो करेंगे तो कहीं होने वाले छोटे छोटे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं. तो अब हम एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से हर जगह अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है. और यदि सभी हम छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एड. और लर्न वॉज अबाउट फर्स्ट एड. अब इसमें क्या करते हैं कि यदि कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है तो डॉक्टर के जाने के पहले इमीडिएट उसे कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि जो पर्सन इंजर्ड हुआ है उसे इंजरी किस टाइप की हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट एड देना पड़ता है। अब माना कोई पर्सन माइनर कट हुआ है, छोटा सा कट हुआ है, तो सबसे पहले तो जो पर्सन फर्स्ट एड दे रहा है सबसे पहले उसे अपने हैंड वॉश कर देने चाहिए ताकि वो उसके डर्ट रिमूव हो जाए और अपने हैंड में जो जम्स लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जिस पर्सन के माइनर कट लगा हुआ है उसके कट को सेवलॉन या डेटॉल से वॉश कर देना चाहिए ताकि उसका डर्ट हट जाए। देन वी अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और उसके बाद बैंडेज लगा सकते हैं। इस तरह से यदि किसी के माइनर कट हुआ है या कोई वुंड हुआ है तो इस तरीके से आप उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि यदि कोई पर्सन बर्न हो गया है तो क्या करना चाहिए उसे फर्स्ट एड देने के लिए कि जिस एरिया से बर्न हुआ है उस एरिया को कूल रनिंग वाटर के नीचे जब तक रखें जब तक कि उसका बर्निंग सेंसेशन कम नहीं हो जाए। जब यदि इस पर्सन को लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है तो उसको आप उसके बाद आप आइस पैक यूज कर सकते हैं, बर्नोल यूज कर सकते हैं और इस तरीके से उस पर्सन को फर्स्ट एड दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट। यदि किसी को इंसेक्ट कोई काट लेता है, माना कोई बी है, वैक्स से कहीं सारे इंसेक्ट होते हैं वो काट लेते हैं, तो क्या करना चाहिए उस एरिया पर आइस पैक यूज कर सकते हैं और कोल्ड क्रीम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो छोटे छोटे एंजरी हैं उसे आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। ओके, पर फर्स्ट एड देने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आप सभी जानते हैं और नहीं है जिसके पास तो फर्स्ट एड हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अब जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो चीज़ें रखनी होती है वो क्या होती है, जैसे लाइक बैंडेज है, डिटोल है, एंटीसेप्टिक लोशन है, कॉटन है, सीजर है, ये सभी फर्स्ट एड बॉक्स में होना जरूरी है। तो यदि आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो इमीडिएट आप किसी पर्सन को फर्स्ट एड दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम किस तरीके से एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश होता है, आपको समझ आया होगा, सब एक बार रीड करें और जो असाइनमेंट आपको भेजा जा रहा है सभी कंप्लीट करके मुझे सेंड करें। ओके, थैंक यू।